नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार की आवाज। आइए जानते हैं इस वक्त की कुछ मुख्य खबरें। खबर रोहतास जिले के विक्रमगंज से है, जहां छठ पूजा को लेकर विक्रमगंज थाना परिसर में शांति समिति की बैठक DCLR मधुसूदन प्रसाद की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। बैठक में DCLR मधुसूदन प्रसाद, DSP शशि भूषण सिंह, BDO अजय कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी सूर्यानंद सिंह, थानाध्यक्ष मनोज कुमार, नगर प्रबंधक आफताब आलम एवं नगर परिषद के मुख्य पार्षद प्रतिनिधि व प्रखंड के नवनिर्वाचित प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में DCLR ने छठ व्रत शांतिपूर्ण वातावरण एवं भाईचारा पूर्वक मनाए जाने को लेकर कई दिशा निर्देश दिए। घाटों पर साफ सफाई को लेकर बैठक में चर्चा की गई। इस संबंध में कार्यपालक पदाधिकारी सूर्यानंद सिंह ने बताया कि सभी घाटों पर युद्ध स्तर पर साफ सफाई का कार्य चल रहा है। नदी में जहां पानी अधिक है, उस स्थान को चिन्हित कर पानी की अधिक गहराई वाले स्थल को बांस बल्लियों से घेराबंदी करते हुए लाल झंडा लगाकर चिन्हित किया जा रहा है। बैठक के दौरान सभी जनप्रतिनिधियों ने छठ महापर्व को मनाने को लेकर अपनी अपनी मुख्य बातें अधिकारियों के समक्ष रखी। मौके पर पूर्व उपसभापति गुप्तेश्वर प्रसाद, मुन्ना सिंह मुरौना पंचायत मुखिया, नीतू मिश्रा जमुड़ी मुखिया, मनोज कुमार मानपुर पंचायत मुखिया, भाजपा जिला प्रवक्ता नवीन चंद्र सहमोहिनी पंचायत मुखिया, प्रतिनिधि रामचंद्र प्रसाद, पुलिस अधिकारी कुसुम कुमार केशरी, मोहम्मद कमाल अंसारी, संजीव कुमार, अजय कुमार यादव, राधेश्याम कुमार व अन्य पुलिस अधिकारी पुलिस कर्मी सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। रोहतास से जिला रिपोर्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह की रिपोर्ट। छठ पर्व के अवसर पर शांति समिति की बैठक का आयोजन विक्रमगंज थाना परिसर में किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि पूजा समिति के लोगों के द्वारा छठ शांतिपूर्वक और व्यवस्थित ढंग से मनाने के लिए क्या क्या तैयारियां की गई है, प्रशासन से उनकी क्या अपेक्षाएँ हैं, प्रशासन को क्या करना है, इन्हीं सब बातों पर विचार विमर्श किया गया। तो सारी बात कर ली गई है और सब व्यवस्थित ढंग से कर दिया गया है, कोई समस्या नहीं।